क्या आपको पता है कि एक ईंट हमेशा लाल क्यों होता है? और क्या आपको पता है कि आलू, सेब और प्याज तीनों आपको एक ही टेस्ट के लगेंगे अगर आप उसे नाक बंद करके खाओगे तब। इस वीडियो में आप ऐसे गजब फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वो। By the way, वो का मतलब ये होता है, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो कि सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 20, जब भी आप अकेला लोनली फील करो ना, तब अपने कीबोर्ड को ओपन कर दो और स्पेस बार को दबाओ, क्योंकि अभी रियल टाइम में हर एक सेकंड दुनिया में कहीं ना कहीं 60 लाख लोग, 6 मिलियन लोग स्पेस बार की को दबा रहे होंगे। स्पेस बार अभी 60 लाख लोग दबाए, फिर दबाए, जैसे एक एक सेकंड बढ़ रहा है, हर सेकंड साथ पूरे दुनिया में 60 लाख लोग कुछ न कुछ टाइप करते हुए स्पेस बार को दबाते हैं। लोनली फील हो तो यही करना, स्पेस बार को दबाना और सोचना कि 60 लाख लोग मेरे साथ इसे दबा रहे होंगे, मैं लोनली हो ही नहीं सकता। फैक्ट नंबर 19, इस दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे बेस्ट मशीन कौन है, क्या आपको पता है? इट्स योर बॉडी, आपका शरीर, योर ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी वो मशीन है जो कि दुनिया के सारे मशीन को बनाया है। तो सबका बाप कौन हुआ? ह्यूमन बॉडी सबका बाप हुआ, तो धरती की सबसे बेस्ट मशीन है ह्यूमन बॉडी। फैक्ट नंबर 18, अकॉर्डिंग टू सेवरल रिसर्चेस, म्यूजिक जो होता है, गाना, सॉन्ग, म्यूजिक एक्चुअल में जो नशीले पदार्थ होते हैं ना, उतना ही एडिक्टिव हो सकता है अगर आप इसे हद से ज्यादा यूज करो तब। मतलब हर कुछ का लिमिट होना चाहिए, म्यूजिक का हो या फिर पढ़ाई का क्यों ना हो। फैक्ट नंबर 17, सेब, आलू और प्याज तीनों को ना आप नाक बंद करके टेस्ट करना, तीनों सेम टेस्ट लगेगा, आपको पता है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट है। ये इसलिए होता है क्योंकि क्या आपको पता है कि आपका जो टेस्ट करने का जो ताकत होता है वो आपको लगता होगा कि आपके जीभ में होता है, लेकिन 80% ऑफ द पावर आपके सांस आप ले पाते हो तभी होता है। मतलब सांस आप में जा पा रहा है इसलिए आप चीज को टेस्ट कर पा रहे हो, भले ही आपका जीभ कितना भी हेल्दी हो। इसलिए आपने ये नोटिस किया होगा कि ठंडे के समय में जब आपको सर्दी होती है तब खाना का टेस्ट उतना लगता नहीं है, कुछ भी खाते हो और नाक जाम रहता है तो फिर ये कैसा टेस्ट कहाँ से आएगा। फैक्ट नंबर 16, BMW कंपनी ने एक ऐसा कार निकाला है जिस कार पर जो पेंट है वो पेंट किया गया है दुनिया के सबसे डार्केस्ट मटेरियल से। मतलब मैंने आपको एक फैक्ट बताया था बहुत पहले कि दुनिया का सबसे डार्केस्ट डार्क मटेरियल, सबसे काली चीज, वेंटा ब्लैक नाम का एक मटेरियल होता है, उसी से उस कार को पेंट किया गया है। इसलिए आप जब कार को देखोगे तब वो इतना ब्लैक दिखेगा आपको वो गाड़ी कि आपको लगेगा कि आप किसी वॉइड में देख रहे हो, ऐसी चीज को देख रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इतना डार्क है। फैक्ट नंबर 15, एक टाइप की फिश होती है, मछली होती है, जिसे ये कहा जाता है व्हाइट ड्रैगन किंग क्राउन बेटा, और इसे दुनिया की सबसे कूलेस्ट लुकिंग फिश, यानी सबसे कूल दिखने वाली फिश माना जाता है, क्योंकि देखो तो इसे एक वियर्ड सा डिजाइन बना हुआ है इसके बॉडी में जो कि बाकी नॉर्मल फिश से बहुत अलग है। ऐसा लग रहा है कोई फिल्मी दुनिया का फिश यहाँ पर आ गया है, पर ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है हमारे समुद्रों में। फैक्ट नंबर 14, अगर आप साधुओं से ज्ञान लेना चाहते हो तो आप जाओगे उससे पूछोगे कि जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो ऐसे ही एक इंसान ने किया, उसने सारे साधुओं के पास जाके सर्वे लिया कि ये क्या सीख देते हैं हमें, क्या सीख देते हैं, क्या बताते हैं जिंदगी के लिए। तो उसमें से 80% साधु ने एक ही बात कहा और वो ये है, जब आप गुस्से में होते हो तब किसी को रिप्लाई नहीं देना चाहिए, जब आप बहुत खुश होते हो तब आपको कोई खुशी खुशी में जल्दी से प्रॉमिस नहीं कर देना चाहिए किसी को कुछ भी, और जब आप दुखी होते हो, सैड होते हो, तब कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये सीख को अगर आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे ना तो बहुत सारे फ्यूचर के प्रॉब्लम से बच जाओगे। इसी फैक्ट पर एक लाइक बनता है, इस बार 1 मिलियन पहुंचाना है आप लोगों को, लाइक करो वीडियो को, कर दिया लाइक, रोल द नेक्स्ट फैक्ट। फैक्ट नंबर 13, आमतौर पर ये कहा जाता है कि सांप में जो किंग कोबरा होता है वो सबसे जहरीला होता है, और दुनिया का सबसे जहरीले क्रिएचर्स में से वो होता है, ठीक है, लेकिन ये असल में ट्रू नहीं है। इस पूरे दुनिया के जितने अरबों जानवर, कीड़े मकोड़े, ये वो सबको काउंट कर ले तो जहरीले के मामले में सबसे टॉप पर पता है कौन है? ये है बॉक्स जेलीफिश, और इसे दुनिया का सबसे वेनमस एनिमल माना जाता है, यानी इस दुनिया का सबसे जहरीला क्रिएचर, वेनमस के लिस्ट में ये टॉप पर आता है। ये फैक्ट है।
फैक्ट नंबर 12, एप्पल कंपनी के स्टीव जॉब्स को तो आप जानते ही होंगे, ये बात एक तरफ, ठीक है। और दूसरी बात, एक्सरसाइज कितना इम्पोर्टेंट है ये आप बहुत बार सुने होंगे, आपके लिए बोरिंग हो गया। पहले ये जान लो कि टिपिकल मीटिंग कैसा होता है। कंपनी में जो मीटिंग होता है ना, बैठ के स्टाइल फिल्मी इलाके में, इतना बड़ा टेबल, लंबा सा टेबल होगा, एक तरफ आदमी, दूसरी तरफ आदमी, और दो तरफ हेड बैठे होंगे, मीटिंग चल रहा होगा, ये टिपिकल सिनेरियो है, ठीक है। लेकिन स्टीव जॉब्स, इन्हें ये पता था कि बैठे हुए स्टेट में कुछ बात बोलना, कुछ सोचना, इससे ज्यादा इफेक्टिव चलते हुए होता है, क्योंकि चलते टाइम पूरा बॉडी एक्टिव होता है। फिजिकली ले लो, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है पूरे बॉडी में और दिमाग में भी, ऑक्सीजन भी बढ़ता है, क्योंकि बैठे रहने के कंपेरेटिव चलने में ज्यादा यूज होता है। तो इसलिए वो मीटिंग, किसी के साथ मीटिंग, कंपनी का मीटिंग चलते वक्त करते थे, चलते चलते मीटिंग करते थे, चलते चलते आइडिया शेयर करना, चलते चलते बात करना, वो बैठ के मीटिंग नहीं करते थे। दैट्स वंडरफुल। फैक्ट नंबर 11, शेर का जो दहाड़ होता है ना, जैसे ये सुनो, या फिर ये सुनो, ये जानते हो, ये असल रोर नहीं है, ये शेर का असल आवाज नहीं है, ये सब क्रिएटेड होता है, इसे वॉइस आर्टिस्ट क्रिएट करते हैं मुंह से। और फिल्मों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे हॉर्स का दौड़ना, दौड़ने का जो आवाज होता है उसे ये पैडल से, चप्पल से क्रिएट करते हैं बहुत, और स्ट्रॉ से कैसे आवाज को बनाया जाता है। या फिर जो फिल्मों में रात के साउंड होते हैं, क्रिकेट वाला, ये वाला, ये सब भी रियल नहीं होता है, ये सब क्रिएटेड होता है। फैक्ट नंबर 10, हार्पी ईगल नाम का एक ईगल है, चील है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा चील है, और ये इतना बड़ा है कि किसी किसी इंसान को तो ये लगता है कि ये किसी इंसान ने मेकअप किया हुआ है, कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, पर ये रियल एक्चुअल चील है। फैक्ट नंबर 9, ये एक बहुत ही डीप साइंटिफिक फैक्ट है, ध्यान से सुनना। एक आइडिया आया हुआ आप लोगों के मन में कि अगर टाइम रुक जाएगा, अगर ऐसा हुआ, मान लो कि टाइम मेरे लिए नहीं रुका है, ठीक है, दुनिया फ्रीज हो गया मेरे सामने, अब सब कुछ फ्रीज है, तो हम लोग के मन में ये आइडिया आता है ना कि ऐसे ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक्टिव हो, दुनिया फ्रीज हो गया हो, जैसे डोरेमोन में दिखाता है, पर ये नहीं हो सकता, पता है, क्योंकि जो लाइट होता है, लाइट ये भी ट्रेवल करता है, ठीक है, फोटॉन्स के रूप में, फोटॉन्स कभी सुना होगा साइंस में, फोटॉन्स के रूप में, तो जब टाइम स्टॉप होगा ना, तो फोटोन भी बीच में स्टॉप हो जाएगा, इसका मतलब आप कुछ देख भी नहीं पाओगे, मतलब टाइम रुकने से आपके देखने की शक्ति भी चल जाएगी, क्योंकि देखना मतलब क्या होता है, देखना मतलब होता है लाइट आपके आंख तक पहुंचना, अब लाइट ही आंख तक नहीं पहुंचेगी तो क्या घंटा देखोगे। फैक्ट नंबर 8, जापान की टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बहुत कुछ बात करते हैं हर बार, तो आज इस बार ये भी सुन लो कि वहां पर एक अंडर वाटर पोस्टल मैसेज बॉक्स है, पीओ बॉक्स है, और हर साल 1500 लेटर उसमें जाते भी है और आते भी है, मतलब इट्स एन वर्किंग पोस्ट ऑफिस अंडर वाटर। स्वैग को दिखाने के लिए शायद वो लोग रखे हैं, मे बी, कि देखो हमारे पास अंडर वाटर पोस्ट ऑफिस है, लेकिन लोग यूज करते हैं, अजीब बात है। फैक्ट नंबर 7, आपको तो पता ही होगा कि दुनिया का सबसे ज्यादा कमाने वाला फिल्म एवेंजर्स एंड गेम है, ठीक है, तो आजकल इंटरनेट पे ये बात बहुत फेमस हो रही है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस, वो एक दिन में ही इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है, कैसे, वो अपने ऊपर एक मूवी बनाएंगे और उस मूवी के टिकट का दाम रखेंगे $3 बिलियन, और खुद का मूवी देखने के लिए खुद का $3 बिलियन 21,000 करोड़ का टिकट खरीदेंगे, तो टेक्निकली उनका मूवी, एक मूवी 21,000 करोड़ कमा लिया, मतलब वो एक दिन में सारे मूवीज को फेल कर सकते हैं अगर चाहे तो, और उनकी संपत्ति 6,00,000 करोड़ से भी ज्यादा का है, तो उसमें से अगर 21,000 करोड़ दे भी दिए तब भी एक रिकॉर्ड तो बन जाएगा, है ना। एक चीज आप नोट किए हो कि मैं कह रहा हूँ ना कि 21,000 करोड़, 6,00,000 करोड़, करोड़ को हटा दो, 21,000 6 लाख, तो हम लोग लाइफ में 21,000 रुपए, 6 लाख रुपए का बात करते हैं, और ये लोग 21,000 करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, 21,000 करोड़, और इधर 6,00,000 करोड़, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब 1 करोड़ करोड़ भी होगा, 2 करोड़ करोड़, 10 करोड़ करोड़। फैक्ट नंबर 6, कोई पेरेंट कितना भी अपने बच्चे से ये बात छुपा ले, पर एक सर्वे के हिसाब से ये पाया गया कि एक ओल्डर बच्चा पहले से है
किसी पेरेंट के पास और एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ, नए बेबी को ज्यादा वैल्यू देते हैं एज कम्पेयर टू जो ऑलरेडी है उसके लाइफ में, वो उसको ज्यादा फेवर करते हैं, करना भी चाहिए क्योंकि वो न्यू बॉर्न है और उसे ज्यादा केयरिंग की जरूरत है। पर यहाँ मेन फैक्ट आता है, बाद में भी जाकर जब वो बड़े भी हो जाते हैं ना, तब जो सबसे छोटा बेटा होता है या बेटी होती है उसे ज्यादा प्यार मिलता है। ये एक साइकोलॉजिकल सा चीज है जो कि इंसानों में एग्जिस्ट करता है, भले ही कोई कितना भी बोल दे कि तुम दोनों मेरे लिए समान हो, पर यंगर किड ज्यादा। फैक्ट नंबर 5, ये कहा गया है ना कि भगवान शिव कैलाश पर्वत में रहते हैं, तो एक वियर्ड सी इमेज इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रही है जो कि ये दिखाती है पर्वत के एक एंगल से अगर आप एक तस्वीर खींचोगे उस पर्वत की तो आपको ओम दिखेगा। ये बहुत ही अजीब चीज है, ओम दिख रहा है और वो भी फिजिकल रूप में। इसके ऊपर मैं पर्सनली कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये धार्मिक हो जाएगा, पर ये बहुत दिनों से वायरल हो रही थी इसलिए मैंने सोचा इसे आपको एक बार दिखा दूं। फैक्ट नंबर 4, सोने टाइम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है पॉपुलेशन के कुछ परसेंटेज के साथ। क्या होता है कि सपना देख रहे होते हैं वो, ठीक है, और सपने में उठ जाते हैं, मतलब सोते हुए सपने में उठ जाते हैं और उठ के ब्रश करते हैं, स्कूल जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और जब रियल में उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मैं सपना देख रहा था। इसका मतलब सपने के अंदर जाग जाना, इसे फॉल्स अवेकनिंग कहते हैं। ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आपको लगता है कि आप जग चुके हो लेकिन आप सपने में जगे होते हैं, एक्चुअल में नहीं। ये कुछ ही लोगों के साथ होता है, बहुत रेयर है ये। फैक्ट नंबर 3, अगर म्यूजिक को सुनते समय आपको गूजबम्स आती है, गूजबम्स आती है इसका मतलब आप इंटेंसली इमोशनल हो, मतलब जो इमोशनल एक्टिव इमोशनल व्यक्ति होते हैं उन्हें ही ये हो सकता है, नहीं तो बहुत कोई होते हैं जो कि कितना भी अच्छा म्यूजिक सुन ले उनका मुंह ऐसे होगा, ब्रा क्या है ये। फैक्ट नंबर 2, ये है इंटरनेशनल फ्लैग ऑफ अर्थ, यानी धरती का फ्लैग, मतलब किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरे धरती का फ्लैग। इसमें ये दिखाया गया है कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं पूरे धरती पर सब ये जुड़ा हुआ है आपस में, आप यहाँ देख सकते हो सब इंटरलॉक्ड है। और ये ब्लू कलर धरती को देखोगे आप ब्लूइश, पानी समुद्र को दर्शाता है, पानी जल जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। जानते हो ये फ्लैग कब काम आएगा? कभी अगर धरती पर एलियंस आ गए ना तब इंसान इसको भूल जाएगा। अभी हम लोग ये कहते हैं ना कि हम इंडियन हैं, हम कैनेडियन हैं, हम अमेरिकन हैं, लेकिन जब ऐसी नौबत आएगी ना एलियन वॉर का, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है मुझे पता है, बट जस्ट एज्यूम द 1% चांस ऑफ एलियंस गेटिंग इनटू अस। तब ऐसी सिचुएशन में ना हम लोगों को कंट्री वाइज डिवाइड होंगे तो फिर हो गया काम। तब सबको एक साथ आना होगा, एवेंजर्स, तब हम लोग एक साथ कहेंगे वी आर अर्थियंस और अर्थियंस मिलके लड़ेंगे बाहरियन से। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, ईंट हमेशा लाल क्यों होता है? ब्रिक किसका बनता है? ब्रिक जो होता है ईटा, जिससे आपका घर जुड़ा हुआ है ईंट बाय ईंट, इतना मजबूत कैसे है? पर क्या आपको पता है ये क्ले से बनता है, मिट्टी से बनता है, तो मिट्टी को इतना मजबूत कैसे बनाया जाता है? देखो ईंट का कॉम्पोजिशन, सिलिका यानी सैंड बालू 50-60% बाय वेट, एल्यूमिनिया यानी क्ले 20-30% होता है ये, लाइम 2-5% होता है ये, आयरन ऑक्साइड 7% होता है ईटा में, मैग्नीशिया 8% दिया जाता है ईंट में, तो इतने चीजों को मिलाकर ईटा या फिर ईंट बोलो कुछ भी बोलो वो बनता है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर होम्स एंड हाउसेस। बट इतने सारे चीजों में से जो ये आयरन ऑक्साइड है ना, यही वो वजह है जिसके चलते ईंट लाल कलर का होता है, आयरन ऑक्साइड नामक केमिकल के चलते। पर ये 6-7% मात्रा में दिया जाता है और इसी के चलते ईंट इतना मजबूत हो जाता है, अगर ये नहीं होना तब घर को ऐसे टच भी करोगे तो टूट जाएगा, इतना मासूम नरम हो जाएगा। तो ईंट में सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल कौन सा होता है? आयरन ऑक्साइड। और ईंट में मौजूद जो ताकत आ जाती है घर को सस्टेन करने वाली, वो किसके चलते होता है?
आयरन ऑक्साइड। और ईंट हमेशा लाल क्यों होता है, जो कि आपने थंबनेल में देखा, उसका आंसर है आयरन ऑक्साइड। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कौन सा लगा नीचे कमेंट करना मत भूलना, और इस वीडियो को खुलकर शेयर करना सबके साथ ताकि सबको नॉलेज मिल पाए। और वीडियो के नीचे दिए गए ऑल वीडियोस वाले लिंक पर क्लिक करके आप मेरे सारे वीडियोस को एंजॉय करना मत भूलना, सारे वीडियोस एक जगह पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।